भदोही जिले की खबरें सत्यम न्यूज पर पढ़ने के साथ साथ सत्यम न्यूज वेब टीवी पर देखे भी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड मोड़ सूर्यामा मार्ग के सालिमपुर के समीप ओएसी उलेन कंपनी का निर्माणाधीन भारी भरकम छत ताश के पत्ते की तरह भरभराकर जमीन पर आ गया। रविवार की सुबह से ही शटरिंग के बाद छत के ढलाई का कार्य चल रहा था, तभी अचानक कई फीट लंबा चौड़ा भारी भरकम निर्माणाधीन छत भरभराकर नीचे आ गया। सूत्रों की माने तो इस काम में लगभग 3 दर्जन से अधिक मजदूर लगे हुए थे। छत के मलबे में दबकर चौरी इलाके के दुबहा गांव निवासी प्रदीप चौहान 28 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी व हड़कंप मच गया। हादसे के बाद कंपनी का गेट बंद करा दिया गया, किसी को भी काफ़ी देर तक अंदर आने जाने नहीं दिया गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर सी के पुरी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद मजदूरों में भारी आक्रोश देखा गया। हादसे के बाद मलबे में और भी मजदूरों के दबे होने की आशंका को लेकर देर रात तक मलबा हटाने का कार्य जारी रहा। सूचना मिलते ही भदोही तहसील की लेखपाल नीति शुक्ला व सिद्धनाथ भी मौके पर पहुंच गए। इन दोनों लेखपालों ने देर रात तक राहत व बचाव कार्य की निगरानी करते रहे, साथ ही मलबे में और भी 100 दबे होने की आशंका पर जेसीबी से मलबे को हटाने का कार्य जारी था। हादसे के बाद उलेन कंपनी का गेट बंद करा दिया गया। जो भी गेट के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था उसे खदेड़ दिया जा रहा था। हादसे में तो एक के मौत की पुष्टि पुलिस तो कर दी, साथ ही 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल होना बताया गया। नागेश्वर चौहान, अखिलेश चौहान, शाबान बिहारी आदि शामिल थे, लेकिन इन सभी घायलों को जमीन निगल गई या फिर आसमान उठा ले गया। मौके पर पहुंची पुलिस व राजस्व विभाग के कर्मी घायलों को ढूंढते रहे, लेकिन घायलों का कुछ पता नहीं चल सका। सूत्रों की माने तो इस बीच उलेन कंपनी के लोगों द्वारा पुलिस से भी दुर्व्यवहार किया गया। इतनी बड़ी घटना व वारदात के बाद भी कंपनी के जिम्मेदार अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर चाय की चुस्की लेते रहे। हादसे के बाद रोते बिलखते मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने ठेकेदार व कंपनी संचालक पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि कंपनी के भारी भरकम छत के ढलाई का कार्य कराया जा रहा था, लेकिन दर्जनों की संख्या में लगे मजदूरों को सेफ्टी उपकरण तक नहीं दिए गए थे। मृतक प्रदीप चौहान के परिजनों का आरोप था कि छत का निर्माण कार्य पूरी तरह मानक के विपरीत था। मजदूर काम करने से मना कर रहे थे, लेकिन पैसे का लालच देकर काम कराया गया और यह हादसा हो गया। वारदात की खबर आसपास के इलाकों में जंगल के आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके वारदात पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से गुहार लगाते रहे, यहां तक कि आक्रोशित परिजन सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने लाठियां भाजकर भीड़ को तितर बितर किया। शव को भी परिजन पुलिस को कब्जे में लेने से रोक रहे थे। रविवार की देर रात तक परिजन सहित आक्रोशित लोग कोतवाली पर डटे रहे। उधर इस संबंध में CWA के विधि सलाहकार एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि अगर मजदूर के परिजनों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी तरह युवा नेता ठाकुर DM सिंह गहरवार ने कहा कि मृतक प्रदीप चौहान के परिजनों को 5 करोड़ तथा घायलों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।
रविवार को जंगीगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी गेट के समीप डाउन दानोपुर एक्सप्रेस की दो एसी बोगी अलग हो गई। दो भाग में एसी कोच बटने के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि दो एसी बोगियों का कपलिंग लॉक खुलने से एसी कोच के दो बोगी अलग हो गए, जिससे लगभग 45 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां कड़ी मेहनत के बाद कपलिंग को जोड़कर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। 45 मिनट तक ट्रेन खड़ी रहने की वजह से इस भीषण गर्मी व उमस में यात्री काफी परेशान हो गए। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार अधिक नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कपलिंग लॉक खुलने के कारण यह हादसा होना बताया गया है। करीब 45 मिनट बाद दानोपुर एक्सप्रेस वाराणसी की ओर रवाना हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को भदोही जिले के इनार गांव पहुंचे थे। यह कार्यक्रम समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष सहित एक दर्जन लोगों को समाजवादी पार्टी से ज्वाइनिंग की बात बताई गई थी। उनका नाम भी मंच से पुकारा गया, लेकिन मंच पर न तो पार्टी ज्वाइनिंग करने वाले नजर आए और न ही शिक्षक समाज। यह बात चर्चा का विषय बना रहा। अखिलेश यादव के मंच पर भदोही के स्थानीय नेताओं को जगह नहीं मिली, मंच के आसपास भटकने तक नहीं दिया गया। पूर्व विधायक जाहिद बेग व निवर्तमान जिला अध्यक्ष विकास यादव को छोड़कर बाकी किसी स्थानीय नेताओं को मंच पर जगह नहीं मिली, बल्कि आसपास के जिले के नेताओं को मंच पर बैठा दिया गया। इस बात को लेकर भी स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम आयोजक के प्रति नाराजगी बताई जा रही है। चौरी इलाके के सपा के युवा सिपाही पुलाड अहिर व मुलायम यादव 52 किलोमीटर पैदल दौड़कर चौरी से सीतामढ़ी इनार गांव डुहिया अखिलेश के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन सपा के इन युवा सिपाहियों को कार्यक्रम स्थल पर सम्मान नहीं मिल सका। इन्हें भी अखिलेश यादव से मिलने तक नहीं दिया गया। मिलने की बात तो छोड़िए, मंच के इर्द गिर्द तक इन्हें नहीं जाने दिया गया। इस बात को लेकर सपा के युवा सिपाहियों व इन धामकों में जबरदस्त नाराजगी देखी गई। कईयों ने तो दबे जुबान यहां तक कह दिया कि अखिलेश के इस कार्यक्रम में यादव सहित अन्य समाज के लोगों की उपेक्षा की गई है। सीतामढ़ी के इनार गांव में समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूरी तरह दुर्व्यवस्था की भेंट चढ़ गया था। भीषण गर्मी में कई मीडिया कर्मी सहित दर्जनों समर्थक व सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों की हालत खराब हो गई थी। पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। लोगों की नाराजगी कार्यक्रम आयोजक के प्रति देखी गई। कार्यक्रम स्थल पर भदोही शहर का एक कालीन निर्यातक पहुंचा था, जो अपने को अपने ही मुंह संभावित सपा का उम्मीदवार कहता है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद उसके तोते उड़ गए। जानकारों की माने तो खुद अखिलेश यादव के इशारे पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्का मारकर मंच के करीब से हटा दिया, जो कार्यक्रम स्थल पर चर्चा का विषय बना रहा। राजनीत ककारा के जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी से जहां 2022 के चुनाव की शंखनाद की है, तो वहीं भदोही जिले के तीनों विधानसभा के सीट की तस्वीर अपने नजरों में कैद कर रवाना हुई हैं। माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम के बाद सपा के उम्मीदवारों के भाग के फैसले तय होंगे। शिक्षक दिवस पर डीह ब्लॉक के इनार गांव में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी थी। बात अगर भीड़ की जाए तो भदोही जिले के कई ऐसे दिग्गज सपाही हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को शिखर पर पहुंचाया है। अगर हम बात भदोही विधानसभा की करें तो पूर्व विधायक जाहिद बेग, अनिल सिंह, हसनैन अंसारी, आरिफ सिद्दीकी, संतोष यादव चौरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सूर्यामा सुरेश मौर्य, कमलेश प्रजापति व काशीनाथ पाल, इसी तरह औराई विधानसभा से बिंदु सरोज, केश नारायण यादव, इजहार अंसारी, अरुण कुमार मौर्या, सलाउद्दीन अंसारी व ज्ञानपुर विधानसभा से लालचंद बिंद, राजेश सोनकर, डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, मुन्ना खान, संतलाल यादव, धर्मेंद्र जिज्ञासु जैसे लोग बड़ी संख्या में अपने अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। उधर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बताते हुए कार्यक्रम में शामिल कार्यकर्ताओं का आभार जताया है।
रविवार को मांग महोत्सव कार्यक्रम के तहत भदोही जिले के कोटेदार संघ के बैनर तले सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध दर्ज कराते हुए राशन वितरण कर रहे कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी ने बताया कि सरकार कोटेदारों के साथ ज्यादति कर रही है। 300 रुपया प्रति क्विंटल पैसा बढ़ा दिया गया है। 2001 से 2015 तक कोटेदारों का बकाया पैसा अभी तक नहीं आया है। कोटेदार संघ ने बकाया पैसे की मांग की है, साथ ही कोटेदारों ने मानदेय की भी मांग रखी है। इसी तरह कोटेदारों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाने की मांग कोटेदारों ने की है। इस मौके पर अबोली ब्लॉक के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे, मीडिया प्रभारी विपिन कुमार पांडे आदि ने विरोध दर्ज कराया है। हम अफवाह नहीं खबर दिखाते हैं, सच्ची व निष्पक्ष खबरें पहुंचे, इसलिए 35 से अधिक रिपोर्टर ठंडी गर्मी बरसात जैसे मौसमों में भी डटे रहते हैं ताकि आपको मिलती रहे सबसे भरोसेमंद व बेबाक खबरें। फिलहाल वक्त हो चला है ज्ञानी पंडित जी का, आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 6 सितंबर 2005 को परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर धन सिंह थापा का निधन हुआ था। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।